आपका बेटा रमन सच में बड़ा हो गया है, गर्भवती कर दिया सिमरन को। बाजवाओं का वारिस उन पवनियों के घर पर है और मैं नहीं चाहता कि बाजवाओं का वारिस उस घर पर मिले। शगुन लेकर उन पवनों के यहाँ जाओ और रिश्ता पक्का करके आओ। ये सब क्या है? रमन के पापा ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। ऐसे कैसे? जब से उन्हें पता चला है कि उनके घर का वारिस आने वाला है, उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सिमी फिर से है? हाँ, सिमी की शादी हम जल्द से जल्द रमन से करवा देंगे। हाँ कह दो अम्बा। मुझे भी वक्त लगा था सारी बातें सुन के समझ के मान लेने में, जबकि मैं तो लड़के की माँ हूँ। तुम पर क्या बीत रही है मैं समझ सकती हूँ अम्बा। शायद ये सब इसी वजह से हो रहा है, शायद जो हम नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे करेंगे। कल सुबह शगुन लेके घर आ जाना, रिश्ता पक्का करके सगाई की एक छोटी सी रस्म कर लेंगे। आंटी जी, हम जरूर रहेंगे। दीदी क्या लग रहे हो आप इन कपड़ों में? दीदी पता है मुझे क्या लग रहा है? रमन वीर जी ने ना आपके लिए खुद ही कपड़े लिए हैं। अरे मैं भी ना कितनी पागल हूँ। रमन वीर जी का? अब तो रमन जीजा जी होने वाले हैं। पागल कुछ भी बोलती है दीदी। हाँ आप खुश तो हो ना? मम्मी आप खुश नहीं हो? मम्मी आपने देखा ना सिमरन दीदी कितनी खुश है, तो फिर आप क्यों दुखी हो? परेशान क्यों हैं आप? परेशान बहुत परेशान। मेरी बेटी कितनी खुश है। पर मैं खुश नहीं। खुली आंखों से मैंने रात भर बहुत कोशिश की कि मैं खुशी ढूंढूं।
ढूंढू, पर मुझे हर जगह सिर्फ डर ही दिखाई दिया। मन, एक बेटी की मां होने का डर, उसकी हो सकने वाली बदनामी का डर, उसको ससुराल में मिलने वाली तकलीफों का डर, शायद एक मां की बेटी की मां की जिंदगी में यही लिखा होता है कि वो जिंदगी भर डरती रहे। एक भूल हुई बेटी से और सब बदल गया। भूलने बहुत बड़ी भूल, वो पांचवा कल बंदूक के लेकर आते थे और आज वो हमारे घर रिश्ता लेकर आए। बहुत गलत किया मेरे मनु, बहुत गलत किया, बहुत घमंड था मुझे अपनी परवरिश पर, सब तोड़ दिया। तू भाई है ना, साथ दे रहा है, प्यार करता है, औरत हूं, सिमी मां बनने वाली है, घर तरफ ये बात फैली हुई है कि कई बार ना पता चल जाए नहीं तो सिमी की इज्जत बर्बाद हो जाएगी। वो अमृत आके बोलती है कि सिमी की इज्जत अब बाजवाओं की इज्जत है, वो इज्जत बचाएंगे उसकी। अब ये दिन आ गए हैं कि बाहर वाले मेरी बेटी की इज्जत बचाएंगे, क्योंकि मेरी बेटी अपनी इज्जत नहीं बचा पाई। बहुत घमंड था मुझे, तोड़ लिया। गलत तो किया सिमी ने, बहुत गलत किया, इज्जत खराब हो जाएगी उसकी अगर ये बात बाहर आ गई तो। पर रमन ने गलत नहीं किया, वो जिम्मेदार नहीं है, उसकी इज्जत नहीं खराब होगी, पर दुनिया तो ऐसे ही चलती है। आज इस हालात में अब सिम्मी की शादी कहीं पर भी हो रही होती है, मेरा डर 100 गुना और बढ़ गया है कि कहीं काट के कहीं फेंक न दे। मां हूं मैं उसकी, 9 महीने उसे अपने पेट में रखा है, मेरे पापा जी ने और मैंने उसे हाथों से खिलाया। गुंजन को कुछ ही तो याद है मेरी, उनके साथ मेरी मां होने का पहला एहसास है वो, तो नहीं फेंक सकती। कहते हैं कि बच्चा इस दुनिया की सबसे बड़ी गलती भी कर देना तो मां थप्पड़ लगाती है, बहुत मारती है, लेकिन उसके बाद वो सबसे पहले ये सोचती है कि वो अपने बच्चे को कैसे बचाए, क्योंकि वो मां होती है। मां हूं मैं, बहुत बड़ी तो मेरी बेटी ना, बाबा जी मेहर करो। मम्मी आप रो मत, सब ठीक हो जाएगा, हम पापा जी के सपने के बहुत करीब हैं, मुझे रमन भी जी पे पूरा विश्वास है। पर मुझे बाजवाओं पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। एक माँ के दिल की आवाज है।
ये सब ठीक नहीं हो रहा परजाई। घर की पहली शादी है, मेरा बड़ा बेटा दूल्हा बनेगा, घर में बहू आएगी, मुझे तो बस यही दिख रहा है। और तुम्हें भी सब कुछ भूल के यही देखना चाहिए। क्या करूं परजाई, इतने सालों में पवनियों के साथ कभी खुशी दिखाई नहीं दी, तो अब क्या दिखाई देगी? स्वरूप, बेटा है मेरा, हम लड़के वाले हैं, और ये ऐंठ तुझसे, मुझसे या उसकी मां से कोई छीन नहीं सकता। उनके घर की बेटी हमारे यहां आएगी, तो कौन सा हमारा बेटा वहां जाके रहने वाला है? मेरा पुत्र खुश है, बस। एक काम करो, तुम दोनों नीचे जाओ, मेहमानों की खातिरदारी करो। वो घर की पहली शादी है, दूल्हे के सर पे पगड़ी मैं बांधूंगा। लामृत। पकड़ से। देखा मम्मी, सब ठीक है। बाजवाओं ने जश्न के लिए पूरी तैयारियां करी। सिमरन दीदी और रमन वीर जी की मंगनी के लिए मेहमान भी बुलाए। ये लोग पूरे पिंड के सामने सब काम कर रहे हैं। चलिए चलते अंदर। भाई और बहनों, आज के सबसे खास लोग आ चुके हैं। आइए, रमन की सगाई में आपका स्वागत है। अमृत, आप सब यहां क्यों रुक गए? आइए अंदर आइए। आओ यहां बैठो। सुनो, यहां खाने पीने का खास ध्यान रखना, ठीक है? अंबा, अब तो गले मिल लो अंबा। सत श्री अकाल जी। आज जगन यहां होता तो नहीं, मतलब आज जो यहां पर होगा उसके बारे में उसको बताएगा जरूर। शायद उसे इस बात का एहसास हो सके कि आज पवनी और बाजवा किस मुकाम पर है। बहुत सुंदर लग रही हो। चलो आ जा, स्टेज पर आओ। अब इतना भी मत शर्माओ, चलो आओ, आ जाओ, बैठिए ना आप सब, बैठिए, आओ बेटा संभल के।
बहुत ही सुंदर लग रही है। हरजीत बाजवा की ओर से आप सबका स्वागत है। आज इस खुशी के मौके पर, इस जश्न के माहौल में मैंने सोचा कि खुशी जो है वो सबको मनानी चाहिए। आखिर मेरे बेटे की सगाई है। अब खुशी मनाई कैसे? उसके इंतजाम के लिए मैंने एक प्रोग्राम रखा है। मैंने दो बड़ी स्पेशल नाचने वाली को बुलाया। एक पड़ोसी गांव की सबसे मशहूर नचनिया गुलाबो और दूसरी हमारे गांव का ग्वाल से है। क्या हुआ मम्मी? उस लड़की के कपड़े सिम्मी जैसे। अरे तुम कहाँ जा रही है? अरे पूरी महफिल सजाई तुम्हारे लिए, नाचोगी नहीं क्या? क्या बदतमीजी है ये? क्या बके जा रहे हो तुम? क्या? अरे ऐसा मैंने क्या कह दिया? हाँ? मैंने अभी अभी क्या कहा? दो लड़कियां नाचेगी, एक दूसरे गांव से और एक अपने ही गांव से। तो दोनों ने देखो एक ही किस्म का लिबास पहना हुआ है। दोनों नाच अब इसने गलत क्या कह दिया मैंने? हा? ये गलत है। ये कपड़े नाचने के लिए नहीं है, शगुन के। अपने खुद अमृत आंटी के आकर भिजवाते। मैंने कब कहा मैंने नहीं भिजवाया? एक इसके घर, अरे तेरे। रमन बीजे, रमन बीजे, रमन बीजे, रमन बीजे कहाँ है आप? रमन बीजे। रमन बीजी,
ये सब क्या हो रहा है? अमृत आंटी आई थी ना कल शगुन की थाली लेकर। तुम बोलो सबको कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करने वाले हैं। हाँ बताओ। बोलो रमन। मैंने तुमसे ऐसा कोई वादा नहीं किया था सर।